हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? अरे भाई ये देख सुबह हो चुकी है फाइनली। हाँ भाई सुबह हो चुकी है। ओके फाइनली भाई मैं भी उठ गया। चलो फिर चलते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेल के आते हैं कंप्यूटर में। लेकिन नहीं भाई, हमें गेम नहीं खेलना है, हमें सुबह उठते ही गेम नहीं खेलना चाहिए। लेकिन भाई तेरे को पता है आज वो दिन आ चुका है जब हमारी जो मम्मा है ना वो हमें छोड़ के जाने वाली है हॉस्टल। अबे हाँ भाई, आज ही मम्मा जा रही है हॉस्टल, उनकी जॉब लग गई है वहाँ पे। लेकिन मम्मा मत जाओ प्लीज, हम लोग घर पे अकेले रह जाएंगे। प्लीज आप मत जाओ मम्मा, प्लीज मम्मा। अबे यार वो तो गई, एंड ऑफ टाइम आ चुका है मेरा GTA 5 गेम खेलने का। अबे ये वैसे बहुत ही खुशी की बात है ना कि मॉम चली गई, हम तो सिर्फ उस टाइम ड्रामा कर रहे थे ताकि मॉम को अच्छा ना लगे। ये हमारी मम्मा चली गई, हमें मजा आ गया भाई, और हम लोग जी भर के गेम खेलेंगे आराम से कंप्यूटर के अंदर। हाँ चल भाई मैं कंप्यूटर स्टार्ट करता हूँ, तू भी अपना स्टार्ट कर, आज हम लोग बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं। लेट्स गो ब्रो मेरे भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन भाई हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन वो नीचे कौन खड़ा है? हमारी मम्मा आ गई क्या? नीचे कौन है वो? वो कोई मेरे को डॉग्स लग रहे हैं, डॉग्स। लेकिन आई थिंक उनके साथ कोई और भी है। डॉग्स? अबे तू उनको पहचानता नहीं है क्या? ये स्कैरी पॉ पैट्रोल, जेस एंड राइडर हैं। अबे हाँ यार, ये तो पॉ पैट्रोल की टीम है, वो भी स्कैरी हॉरर वाली। लेकिन ये हमारे घर के नीचे क्या कर रहे हैं? और ये तो हमारे घर के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं भाई। हमारी मम्मा चली गई इसीलिए ये लोग हमारे घर में घुस रहे हैं। अबे यार माय गॉड, ये देख, ये तो विंडो तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये लोग विंडो नहीं तोड़ पा रहे हैं। भाई हम लोग बच गए, ये तीनों के तीनों, यहाँ पर दो दो चेस हैं एंड एक राइडर है। भाई ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, और जब पिछली बार ये लोग हमारे वर्ल्ड में आए थे ना, तेरे को याद होगा हम लोग इनके बहुत सारे टावर्स के अंदर गए थे और ये लोग बहुत ही डेंजरस लग रहे थे। हाँ भाई हम लोग थोड़े दिन पहले तो गए थे एंड ये लोग दोबारा हमसे बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये लोग कहाँ चले गए? भाई ये देख ये लोग यहाँ पर होंगे। अरे भाई ये देख, मैंने कहा था ना ये लोग हमारे डोर पे आ चुके हैं भाई। और ये देख यहाँ पे दो दो स्कैरी डॉग्स हैं जिनका नाम है चेज और वोरा राइडर। अबे यार ये लोग हमारे डोर को नॉक कर रहे हैं। हाँ ये लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तू वहाँ पे जाके क्या कर रहा है? अबे तू उनको मार क्यों रहा है भाई? अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो वो तुझे जान से मार देंगे एंड साथ में मुझे भी मार देंगे। हाँ भाई तू शायद सही कह रहा है, हमारा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मुझे इन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा भाई, मुझे बहुत ही गुस्सा। अबे ये इतना बड़ा हो चुका है चेस, देख भाई इसका साइज कितना बड़ा हो चुका है, ये अपने साइज को बड़ा कर सकते हैं इसका मतलब। हाँ ये और बड़ा हो गया, पता नहीं कैसे, एंड सेकंड वाला भी इसके बराबर है। वेट, उसने तुझे देख लिया। तूने बिल्कुल सही कहा, उसने मेरे को देख लिया वो देख, और वो मेरी तरफ ही आ रहा है मेरे को मारने के लिए। मेरे को छोड़ दे प्लीज। अच्छा तो तू है जो इतनी देर से हमें मार रहा है, तू अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। अभी रुक जा, अबे तू मुझे एरो मार रहा है, अरे भागो 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 यहाँ से। अबे भाई ये देख मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया है, बहुत ही मजा आ गया ब्रो, मैंने भगा दिया उन्हें। सो भाई अब टाइम आ चुका है दोबारा उनके लिए बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनाने का, क्योंकि वो लोग दोबारा कभी भी हमारे घर के अंदर घुस सकते हैं। वो देख भाई मैंने पूरे घर में कैमरास लगा दिए हैं एंड मैंने अपने घर में बहुत ही मस्त केक रखा है। वो देख भाई वो लोग हमारे घर में एंटर कर चुके हैं हमारे गेट से। हाँ भाई वो लोग हमारे घर के अंदर आ चुके हैं एंड अब मुझे लग रहा है इनको भूख लगी है। ये देख हमारे टेबल पे कितना सारा खाना रखा हुआ है एंड मुझे लग रहा है ये लोग नहीं खा रहे हैं। भाई ये लोग देना पक्का खाएंगे इसको, क्योंकि मैंने इन्हीं के लिए खाना रखा हुआ है एंड वहाँ पे हम लोगों ने उसके लिए एक ट्रैप भी बनाया है चेस के लिए। वो चेस देख वहाँ पे घूम रहा है ना, उसके पास एक चीज़ चमक रही है, सोने की चीज़, उसके पास वो चेस ही जाएगा, ऊपर से उसके ऊपर गिरने वाला है ट्रैप एनविल एंड देखते हैं ये इसे मरता है कि नहीं। ओके भाई मैं इसके ऊपर एनविल फेंक दूंगा, मुझे लगता है इसको गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो सिर्फ यही आया है गोल्ड के पास। हाँ भाई तो देखना, देखते हैं क्या होने वाला। हाँ हो चुका है, अबे ओके होने वाला होगा, वेट करो।
ओके लेकिन ट्रैप अभी तक ओके ट्रैप आ चुका है, लेकिन ब्रो ट्रैप हमारा फेल हो चुका है। अबे यार हमारा ट्रैप फेल हो चुका है भाई, वो सारे के सारे हमारे घर के अंदर नीचे घूम रहे हैं और वो ऊपर भी आ सकते हैं। अबे यार अच्छा खासा ट्रैप हमारा, वेट ये तो ऊपर ही आ रहे हैं। अबे भाई हम दोनों तो ऊपर ही हैं, कहीं ये लोग हमें मार ना दें ऊपर आके। अबे हाँ ये तो ऊपर आ रहे हैं मेरे भाई, वो देख, ओ माई गॉड हमारी भाई हम लोग मरने वाले हैं। हाँ भाई एंड इन्होंने जीने वाला ट्रैप भी पार कर लिया है, एंड शिट ये तो हमारे रूम के बाहर खड़े हुए हैं। सच में यार ये लोग तो हमारे रूम के बाहर आ चुके हैं भाई, और लगता है ये लोग हमें मारने के लिए अंदर आने वाले हैं। हाँ एंड ये क्या तेरे हाथ में? मेरे पास एक गन है और मैं इनको अपनी गन से आराम से मार दूंगा। अबे निकलो यहाँ से। ओ नो शिट। अबे वाह भाई ये देख ये मैंने क्या कर दिया। अब भाई हम लोगों ने मिलके इन तीनों के तीनों को, इन सारे के सारे पॉप पेट्रोल की टीम को ट्रैप कर लिया है। यस ब्रो हमने इन तीनों को ट्रैप कर लिया है। वो क्या है ऊपर? भाई वो हमारा घर टूट चुका है लेकिन हम लोगों ने ट्रैप कर लिया है इन लोगों को। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके शहर में हो चुका है पॉ पेट्रोल का हमला, कृपया आप लोग उससे बच कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पॉ पेट्रोल का हमला, भाई लगता है ये न्यूज वाले पागल हो चुके हैं। गाइस पॉ पेट्रोल की टीम को तो मैंने पिछली बार पकड़ लिया था और मैंने ट्रैप के अंदर उनको फंसा लिया था, लेकिन वो दोबारा हमारे वर्ल्ड में कैसे आ सकते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन टूर पे कौन है अभी भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को कौन सी प्रॉब्लम हो चुकी है? अबे भाई मैं तो ऐसे घूमने आया था तेरे घर में। ओके लेकिन भाई मैं तुझे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? भाई तू फटाफट मेरे घर के अंदर चल, पता नहीं भाई मेरे हाउस के अंदर क्या हो गया है। भाई क्या हो गया तेरे हाउस के अंदर, और मैं तो तेरे घर में काफी दिनों से गया भी नहीं हूँ भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा है ठीक है। हाँ लेकिन भाई पता नहीं मेरे घर के अंदर कोई तो भूत रहता है खतरनाक सा। क्या बात कर रहा है भाई, खतरनाक सा भूत? प्लीज तू ऐसी बातें मत कर। तो भाई पता नहीं रात में कौन इतनी डरावनी आवाजें निकालता है मेरे घर से। कौन निकालता है भाई डरावनी आवाजें, ऐसा कौन आ गया? भाई मुझे क्या पता मेरे घर के अंदर कौन आ गया है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो मेरे घर के अंदर रहता है। लेकिन मैंने तो ऐसे किसी को तेरे घर में दिखाई नहीं दे रहा है, तेरा घर एकदम सेफ है। पता नहीं भाई लेकिन कोई तो होता है रात के अंदर, उसको ढूंढने में मेरी मदद कर भाई। लेकिन वेट भाई ये कौन है तेरे बेड के नीचे, कौन है? ये तो पॉ पेट्रोल है भाई, चेज और राइडर जो कि तेरे बेड के नीचे है भाई, भागो यहाँ से यार। इसका मतलब वो न्यूज बिल्कुल सही थी, उसमें बता रहे थे कि हमारे वर्ल्ड में आ चुके हैं पॉ पेट्रोल और वो पॉ पेट्रोल तेरे घर के अंदर रहते हैं। लेकिन भाई हम लोगों ने पिछले हफ्ते इनको मार दिया था, ये दोबारा यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये लोग दोबारा वापस कैसे आ सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये लोग जिंदा कैसे हो गए? चल भाई इनको हम छोड़ेंगे नहीं आज। हाँ भाई कुछ करना पड़ेगा हमें, बहुत ड्रामा हो चुका है अब। हाँ चल ओके। हाँ भाई ये क्या, वो लोग तो गायब हो चुके हैं। क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है, वो अभी तो यहाँ पर थे ना भाई, इतनी जल्दी वो लोग यहाँ से गायब कैसे हो सकते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं यहाँ से गायब? पता नहीं भाई वो लोग कहाँ चले गए, अभी 2 मिनट पहले इस बेड के नीचे थे चेज एंड राइडर, एंड दोनों अभी गायब हैं। वो लोग कहाँ चले गए भाई, इतनी जल्दी बाहर कोई नहीं जा सकता भाई। मुझे लगता है ये पॉ पेट्रोल की टीम जो है ना वो सबसे ज्यादा हॉरर है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए, और इस बात का पता लगाने के लिए मुझे तेरे घर के अंदर लगाने पड़ेंगे CCTV कैमरास। अरे वाह, हाँ भाई जल्दी से इनको लगा दे, एंड ये वर्क बहुत अच्छे से करने वाले हैं, एंड जो भी मेरे घर के अंदर आएगा वो पकड़ा जाएगा। चल भाई चलते हैं तेरे घर के अंदर, एंड आज रात को हम लोग चेक करेंगे। लेट्स गो, हमारा काम शुरू हो चुका है ये देख, और कैमरा बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रहा है।
सो भाई टाइम आ चुका है चेक करने का कि वो पॉ पेट्रोल की टीम यहाँ पे हमको दिखाई देगी या फिर नहीं, क्योंकि वो इसी घर के अंदर गायब हुई है ना, तो इसका मतलब वो इसी घर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। हाँ भाई, अभी तक हमारे घर के अंदर कोई भी नहीं आया है। मुझे लगता है कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे मेरी लाइब्रेरी के। अबे चेस एंड एक और चेस एंड राइडर, तीनों वहाँ से कैसे निकले? भाई वहाँ पे उनकी बेसमेंट है जहाँ वो लोग रहते हैं। इसका मतलब भाई वो लोग वहीं से निकलते हैं और वहीं चले जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है यार, वो तेरे घर के अंदर ही रहते हैं भाई। अच्छा भाई, कल ही तभी वो लोग गायब हो गए थे एंड फिर हमें पता भी नहीं चला वो लोग कहाँ चले गए। एंड ये लोगों को बहुत तेज भूख लगी है इसलिए ये लोग ऊपर आए हैं एंड लोग ढूंढ के आ रहे हैं। उबे मुझे लग रहा है ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। बिल्कुल सर। अबे ये देख भाई, ये लोग पागल हो चुके हैं, ये लोग तेरे फ्रिज में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। लेकिन मुझे पता है इनका जो पेट है वो खाने से नहीं भरेगा, इनका पेट भरेगा तेरे को खाने से। अभी ये लोग एकदम पागल हो चुके हैं भाई, इनसे मेरे को बहुत डर लगता है भाई। भाई मुझे भी इनसे बहुत डर लगता है एंड ये तो आज मुझे खाने ही वाले थे लेकिन इनको खाना नहीं मिला एंड इसलिए ये लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। अबे ये लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं यार? अबे ये लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है ये लोग जंगल के अंदर गए कुछ खाने के लिए। लेकिन 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 ये बहुत ही बेस्ट चांस है हमारे पास, हमें तेरे घर के अंदर भी जाना चाहिए और उस सेक्रेट बेसमेंट के अंदर चेक करना चाहिए कि वो लोग आखिर रहते कहाँ पर हैं। यस ब्रो, यही तो मैं कहने वाला था, जल्दी चलते हैं मेरे घर के अंदर एंड देखते हैं वो लोग कहाँ पर रहते हैं एंड उसकी जगह कैसी है। भाई जल्दी चल यार, वो लोग पता नहीं कब आ जाएंगे, टाइम नहीं है हम पे। अबे हाँ भाई, फटाफट चलो निकलो यहाँ से, बहुत डर लग रहा है मेरे को। अबे यार अभी वो लोग कहाँ पर है भाई? अबे ये रही वो देख, वो वाली बेसमेंट यहाँ पे है एंड इसके अंदर ही हमको जाना पड़ेगा। ये बहुत डरावनी भी हो सकती है इसलिए संभाल के चलना भाई। हाँ ठीक है, मैं संभाल के चलूंगा मेरे भाई, लेकिन हमें आराम से जाना पड़ेगा। क्या पता इसके अंदर बहुत सारे चेज और मार्शल हो और पॉ पेट्रोल की टीम हो। अबे नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यही दोनों रहते हैं एंड ये तो बहुत क्लीन रूम लग रहा है भाई देखने में। हाँ कितना साफ सुथरा, कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई इंसान रहते हो, लेकिन यहाँ तो स्कैरी पॉ पेट्रोल रहते हैं। हाँ भाई एंड ये देख, यहाँ पर एक चॉकलेट केक रखा हुआ है एंड चेस्ट टॉयलेट एंड बेड भी है। ये लोग तो एकदम इंसान की तरह रहते हैं, हमारी तरह एकदम। सच में यार ये लोग बहुत ही इनोसेंट लग रहे हैं, लेकिन जितने इनोसेंट ये लोग लग रहे हैं ना उतने ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार भी हैं। एंड चेस्ट, वेट, ओ बे, चेस्ट के अंदर तो सारा सामान मेरा है, डायमंड, गोल्ड, एमरल्ड, भाई सब कुछ मेरा। मतलब ये लोग इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स होने के बाद भी एक चोर भी हैं। अबे हाँ, इसका मतलब जो तेरा सामान इतने दिनों से गायब हो रहा था ना वो इन लोगों ने चुराया है। सो गाइस, हम लोगों ने पूरा का पूरा बिल्ड बना लिया है और अब टाइम है उनके आने का, लेकिन वो लोग आ चुके हैं भाई। ये देख, वो लोग तेरे घर के अंदर आ चुके हैं और हम लोगों ने जो ट्रैप उनके लिए बनाया है ना, और वो लोग उसके अंदर फंसने के लिए जाने वाले हैं नीचे। ठीक है भाई, देखते हैं ये लोग हमारे ट्रैप में फंसते हैं नहीं एंड मुझे लगता है ये लोग सब कुछ खा के आए हैं एंड इनका पेट भर चुका है। अबे हाँ, लेकिन ये देख ये लोग नीचे आ चुके हैं भाई। अबे लेकिन आते ये लोग क्या करने वाले हैं, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। चलो देखते हैं ये आते ही क्या करने वाले हैं। यहाँ पर स्कैरी राइडर भी आ चुका है एंड दोनों चेस भी आ चुके हैं। ओके, ये लोग तो आते ही केक पे टट गए भाई, ये चेस तो बहुत बड़ा भुक्कर निकला। अभी ये लोग बाहर से इतना सब कुछ खा के आ रहे हैं उसके बाद भी इन्हें भूख लग रही है, इसका मतलब बहुत ही बड़े भुक्कड़ हैं ये लोग। हाँ भाई, अच्छा हुआ मैं इनके हाथ नहीं लगा, वरना ये तीनों मिलकर बहुत खतरनाक वाला खा। वेट, ओबे ये चेस तो यार खाने के बाद पॉटी कर रहा है एंड पॉटी करने के बाद दोबारा खाएगा। ओबे हाँ, ये तो पॉटी कर रहा है भाई, कितना गंदा है ये, छी छी, खुले में पॉटी कर रहा है, इसको पता ही नहीं हम लोगों ने यहाँ पे कैमरा लगा के रखे हैं। हाँ एंड
पॉटी करने के बाद तो ये चला गया सोने। एंड अब देखते हैं राइडर क्या करेगा। हाँ चलो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप भी बनाया है, और हमारा ट्रैप काम करेगा या फिर नहीं वो बाद में पता लगेगा। भाई उसके टॉयलेट के ऊपर देख, उसने एक डायमंड पॉटी की जगह करा है। भाई ऐसा कैसे हो गया? अबे ब्लास्ट हो गया, लेकिन इनको तो कुछ हुआ ही नहीं। ओ माय गॉड, हमारा ट्रैप फेल हो चुका है। इन पॉप एडिटरों को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग पूरी सेफ है यार।